रात को कितने बजे आया था? 12:30 आपके पास आया था भाई। व्लॉगर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाता है सर को। सर कैसे हैं सर? मेरी मम्मी को नमस्ते कहना है। मम्मी को आके आइए बाहर निकल के। चलो जाओ, उसको मेरे साथ ही जाना है। अंकल थंबनेल ले ले क्या पुलिस वाला? थंबनेल थंबनेल मतलब इधर आ, छोड़ दो सर, फंस जाएगा। इतना ही है ये। ओ ओ ओ आपको तो ले जाओ। ओ मम्मी डू हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे मम्मी, हैप्पी मदर्स डे। ओहो गिनती भूल गया मैं फिर से। हैरी पॉटर पार्किंग के लगा दी 150 रुपए हमारे वेस्ट कर दिए इतने में। तो हम कैब 30 मिनट फ्री होती है। 30 मिनट फ्री होती है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। अभी मैं कर रहा था एक्सरसाइज और ये देखो, उनको बोला था नॉर्मल दूध दे जाओ और ये देखो भाई गर्म दूध दे गए। एसी के सामने ठंडा कर रहे हैं। हमने बोला नॉर्मल कैसे करें इसको, जैसे भी कर सकते हो। हम हो चुके हैं रेडी। ये रहा एक सूट के, दूसरा लैपटॉप वाला बैग, ये रहा मैं, मेरे को शर्ट पहननी है बस, और ये रहा आमिर जो अभी तक सो के नहीं उठा। भाई कुछ तो शर्म कर ले आमिर, कुछ तो शर्म कर ले। कैब खड़ी है, निकल जाए हम, आ जाएगा अपने आप एयरपोर्ट। ये देखो ये इसके जूते बड़े, बैग भी ऐसे खुला पड़ा है, निक्कर में घूम रहा है भाई, निक्कर में। मतलब क्या क्या बोले इसको हम भाई, वो तो रेडी नहीं हुआ। ये देखो मैं तो रेडी हूँ भाई, सुबह निक्कर में घूम रहा है, निक्कर में भाई। भाई निक्कर मैंने तो उठाया था अभी मैंने एक घंटा पहले भी उठाया था उसको। चलो ठीक है फिर हम चलते हैं, हम चलते हैं, वो आ जाएगा अपने आप। लो भाई हम हो चुके एकदम रेडी, और शर्ट देखो प्रेस करके रहा था, क्या हाल हो गया इसका। चलो कोई दिक्कत नहीं है। आपको रात को परेशान कौन कर रहा था 12:30 बजे? कौन सा रूम था? कौन है? कौन परेशान, इनसे पूछो ना इनकी लैंग्वेज में। रात को 12:30 बजे ना यो परेशान करिंग 102 नंबर 102 103 परेशान कौन कर रहा था? 102 नंबर 102 क्या कह रहा था? नवीन है यार, ठीक है। अच्छा लगा तुमसे मिलके, नाइस टू मीट यू। रात को कितने बजे आया था? 12:30 आपके पास आया था? ठीक है बाय बाय। वो तो भाई इतना समझाना थोड़ा मुश्किल है। रात को भाई आमिर को लग गई भूख, मतलब हम 11 बजे एडिट पे बैठ गए थे, ये भाई सो गए थे पहले, इनके रूम में क्या कुछ खाने को है, खाने को है, इन्होंने बोला भाई कुछ भी नहीं है। उसके बाद इनको मिल गया ये वाला बंदा, तो ये हमारे पास आया सुबह सुबह 7 बजे, मेरी बेल बजा दी, कह रहा रात को आपके ये वाले बंदे ने बहुत परेशान करा। हमने ऑलरेडी डिनर मंगा लिया था, मैंने इनसे पूछे क्या क्या खाने मंगा ले, भर के मंगाया, खाए, सो गए 12:30 बजे, पूरे होटल में यहाँ भाग रहे, 11 बजे इनकी किचन क्लोज हो जाती है, जो इसने आतंक मचाया अभी भी मचा रहा है। हम रेडी हैं, ये देख लो पूरे बैग वैग रेडी हैं, ये आए नहीं बार। हाँ तुम्हारा नवीन सर्विस, गुड सर्विस। अच्छा नवीन सर्विस, गुड सर्विस, वेरी गुड सर्विस। नाम तुम्हारा नवीन है? नवीन है, नवीन नाम है, नवीन नाम है, और कुछ नहीं बोलना आता, मेन चीज नहीं बता पा रहा। नवीन सर्विस, गुड सर्विस। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। और आज का सीन क्या ना, आज हम निकल रहे हैं वापसी दिल्ली के लिए, 2 फ्लाइट चेंज करके जाना पड़ेगा अभी हमें मैसूर में, मैसूर से जाएंगे हम चेन्नई। जब हम दिल्ली से आए थे ना, दिल्ली से पहले हैदराबाद आए थे, हैदराबाद से मैसूर आए थे, लेकिन अभी ज्यादा टाइम हैदराबाद नहीं जाएंगे, ज्यादा टाइम जाएंगे मैसूर से चेन्नई, चेन्नई से दिल्ली। ये भाई को मशहूर होना है, क्या नाम है? नवीन, नवीन, नवीन मेरा भाई। और सामने ना मंदिर है, कौन सा मंदिर है? गीता मंदिर है। ये समझ आ रहा है जो मैं पूछ रहा था, वो समझ नहीं आ रहा था? गीता मंदिर है, गीता मंदिर। इनको थोड़ा थोड़ा समझ आता है, जो बीच में वर्ड समझ आता है वो पकड़ लेते हैं भाई। इनको अच्छे से नवीन सर्विस गुड, ये बढ़िया है, नवीन सर्विस गुड। ये भाई इसकी ना रूप आप गई आमिर से, इसलिए आमिर का नाम नहीं लेना चाह रहा। ये देखो देखो देखो, हाथ भी मिला रहा है, सामने गीता मंदिर है, और मतलब बहुत बढ़िया भजन सुबह से, झूठ बोल रहा है, हमें पता है कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। सुबह से ना यहाँ पर भजन चल रहे हैं, आई थिंक मजा आ रहा है सुनने में ना, अच्छा लग रहा है। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। ये सर आ गए हमारे, ये भी व्लॉगर है। तो भाई व्लॉगर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाता है सर को। सर कैसे हैं? सर मेरी मम्मी को नमस्ते कहना है। मम्मी को नमस्ते। नमस्ते 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 नमस्ते। मम्मा देखती है सारा वीडियो, देखती है ना। अच्छा अच्छा, व्लॉगर ऑफ द ईयर का अवार्ड अभी देखना गाड़ी में, मेरे को व्लॉग ही नहीं बनाने देंगे भाई, इतना मतलब बढ़िया समझाते हैं यहाँ पर, ये ऐसा वैसा, बुद्धू मत बन जाना, 10 रुपए की चीज 100 रुपए की मत खरीद लेना। हाँ आ रहा आ रहा, एक बैग हो रहा है, एक बैग हो रहा है। तो मेरे को तो आज मतलब एयरपोर्ट तक ही मेरा व्लॉग कम्प्लीट करा देंगे, ये 20 मिनट का ना। हेलो ओरियो, काटेगा तो नहीं? हेलो ओरियो, ओ हो कितना प्यारा है ना। हेलो ओरियो, कितने साल का है ये? 3 ईयर का। कैसे हो, कैसे हो? अंदर से देख रहा था, कैसे हो ओरियो, कैसा है?
हमारे साथ जाएगा क्या? हमारे पास कोको है। तो पूछ दे कैसे हिला रहा है। हमसे मिलने बाहर आया है। चलो जाओ, जाओ ऐसे बाहर नहीं भागते है ना, भाग के आए बाहर निकल के। चलो जाओ, उसको मेरे साथ ही जाना है। चलो आओ फिर गाड़ी में बैठो, आओ आओ चले, आओ आओ चले, चलो आओ। नहीं इतना प्यार नहीं है, इतना ही है बस, मिल लो बाय बाय। संडे छुट्टी रहता है यहाँ पर, सारा रास्ता खुला, सारा रास्ता नहीं ये गुजरी है, गुजरी गुजरी गुजरी, गुजरी मतलब यहाँ से गुजरो। नहीं 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 वो ओल्ड 11 बजे लैंड करेगा ना, सभी रखता है ना, क्या बोलता है सर उसको, आइटम वर्ल्ड वर्ल्ड आइटम सर, वर्ल्ड आइटम यहाँ रहता है सभी। हाँ सारा गुजरी क्या बोलता है ना, मैकेनिकल का आइटम वो सभी गुजरी, अब पुराना। ओके ओके ओके, एंटीक आइटम, एंटीक आइटम यहाँ पर रखते हैं। और संडे यहाँ पर बाइकर्स हैं, बाइकर्स बाइकर्स बाइक चलाते हैं, सुपर बाइक, सुपर बाइक। नो सुपर बाइक, बूम बूम कौन कह रहा, बूम बूम ही कह रहे हैं हम तो। चलो ठीक है भाई, एंजॉय करो खाली रोड। AC. He want AC. Tell him. Okay. Natural AC. Natural AC. चार में तीन नाथ भी बोले तो डालेगा। चार में तीन वो भाई साहब वोटिंग, मैं कह रहा हूँ अंकल कंटेंट है वोटिंग भाई वोटिंग। चल भाई हाँ वोटिंग बता भाई आमिर, नेचुरल नो एसी, एक ने मना कर दिया। ले भाई फेल हो गया, रद्द है, मेरे बोलने से भी कुछ नहीं होगा, खत्म। अंकल हाथ मिलाओ, आप जीत गए हो, यू विन 1 crore rupees, अगले जन्म में मिलेगा। आगे जा रही है, एसी चला दिया, एसी चला दिया, क्यों चला दिया? अंकल ने मच्छर मारू गाड़ी देखी, दुआ छोटा तगड़ा ये चला दिया एसी। वो कह रहे आप वोट वोट से कोई मतलब नहीं है। नहीं नहीं अब ठीक है, अब चल रहा था चलने दो, कोई बात नहीं, भगवान ने बोला चलाने को ना। तभी उसने धुआं फेंका और अंकल ने फच करके चला दिया सारे शीशे बंद करके। भगवान ने सुन लिया भाई, भगवान ने सुन लिया, कहते हैं ना जो जो होना होता है ना वो होता है। ये तो ब्रिज देख रहे हो बड़ा सा, अंकल बता रहे हैं इससे पानी सप्लाई होता है, ऐसा लग रहा है ट्रेन जाती है। ट्रेन नहीं है, पानी पूरा सिटी का पानी इसमें से जाता है। आता कहाँ से है? अंदर अंदर पाइप है, बड़ा पाइप। नहीं आता कहाँ से है? आते हैं उधर डैम है, यहाँ से 30 किलोमीटर में एक वृंदावन गार्डन उधर एक डैम है, डैम से यहाँ पर आता है, डैम से आके प्यूरीफाई होके पाइप में आता है। दूर से देखने में ऐसा लग रहा था ना ट्रेन का है, जैसे ट्रेन जाता है इसके ऊपर से। क्या करता है नीचे डाले तो पाइप ये मोटर डाल के कंच लगा ये लोग। अच्छा उसके लिए ऊपर से ओके, वो कह रहा है अगर पाइप नीचे से जाएगा तो लोग अपनी मोटर डाल देंगे, एरिया ना सारा का सारा सारा अपना खेती बाड़ी के लिए खींच लेगा, पूरा पानी सिटी में जाता है। वो ब्रिज बना दिया कि ऊपर कोई पाइप डाल ही नहीं पाएगा, कोई भी नहीं डाल। बहुत बढ़िया अंकल, काफी नॉलेज है बड़ा। अच्छा उसके अंदर पाइप है, बहुत बड़ा वो काली ब्रिज का सरका दिशा ना, अंदर बड़ा पाइप है, पाइप का अंदर से जाता है। अच्छा लगा अंकल, और बताओ कुछ, बाकी सब बढ़िया घर पे? आपके फैमिली में कौन कौन है? आपके मिसेस और दो बेटी, बेटी का शादी हो गया दोनों का? एक का हो गया और एक का। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया, दोनों बैंगलोर में है। चलो भगवान आपको सुखी रखे। और ये क्या लेकर जा रहे हैं? तवारी राइस, राइस राइस दो बोरी ले जाए हम दिल्ली। अंकल थंबनेल ले ले क्या पुलिस वाला? थंबनेल मतलब, थंबनेल मतलब व्यूज आता है, पैसा आता है पुलिस का शक्ल दिखा के? नहीं ना, गलत चीज है ना। देखा अंकल भी कह रहे गलत चीज है, क्यों करते हो तुम लोग ऐसा, फिर क्यों करते हो? सॉरी सॉरी, अब नहीं करोगे ना? नहीं, ठीक है। थैंक यू अंकल, बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके। ओके, एक पे तील लगा दिया, कुछ नहीं डाल पाओगे। चलो इसको तो हम ऐसे भी लेके जा सकते हैं ना, ज़्यादा वेट ही नहीं है हम तीनों के बैग का ना। टोटल वेट कितना है? आज साहिबा की बहुत याद आ रही है, साहिबा होती ना तो उसका केले का बैग 30 किलो का होता। तो पहले हम जाएंगे मैसूर टू चेन्नई और उसके बाद जाएंगे चेन्नई टू दिल्ली। लो जी लो,
10 बजे हमारा सारा चेक इन भी डन हो गया। मेरे को लग रहा है मेरे को ये वॉच का फेस भी चेंज करना पड़ेगा, इसमें भी टाइम ढंग से दिखता नहीं है। और जो हमारी फ्लाइट है 11 बजे की, एयरपोर्ट छोटा सा ना इसलिए सारे काम जल्दी जल्दी हो गए। मतलब वो कॉर्नर से एयरपोर्ट शुरू है और ये सामने ख़त्म। इतना सही, कोई कैफे नहीं है क्या? चाय वाय पी लेते, कुछ खा लेते हैं। इनो पी रहा भाई, क्या हो गया सुबह सुबह? ठीक है ना सब? एक चश्मे की दुकान है और एक कैफे है छोटा सा। चलो अपने प्लेन का वेट करते हैं। पूरे एयरपोर्ट पे एक भी प्लेन नहीं है, बस हमारा आएगा, बंदे उतरेंगे और हम बैठेंगे और चले जाएंगे। ये देखो एक चीज़ और दिखाऊं, दिखाइए बोतल दिखाइए। इनो को कोल्ड ड्रिंक की तरह पी रहा है भाई। इनो ना उसी टाइम पीना होता सारा, दो दो सिप करके पी रहा है, टेस्ट लेंगे ना। अभी सुनना है, अनाउंसमेंट सुनना आप। जैसे स्कूल में नहीं होती थी पहले 10 बच्चे आ जाओ, उसके बाद 20 से 30 बच्चे आ जाओ, 30 से 40 बच्चे आ जाओ, ऐसे बुला रहे हैं ये। बाकी बुला लिया, जितना रुक गए हो आ जाओ, आ जाओ। छोटा सा जहाज है, उसमें पहले 10 रो वाले आ जाओ, फिर 20 पीछे वाली रो वाले आ जाओ, उसके बाद लास्ट रो वाले आ जाओ, साथ में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा। एक जहाज उतरता है लेकिन ठीक है, अच्छा मेंटेन किया हुआ इन्होंने, बढ़िया मेंटेन किया हुआ है। देखो यहाँ पर ना एक ही प्लेन उतरता है, वो प्लेन आया, इसमें हमने जाना है और उन बंदों को पैदल भेज दिया वहाँ से कि तुम लोग जाओ पैदल। और हमारे लिए दो बसें लगा दी, एक बस भर के चली गई है, दूसरी ये रही। ये वही जहाज है जिसमें टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा होती है ना, छोटे वाला। उड़ते टाइम और लैंड होते टाइम ना ऐसा होता कि भाई दिल बाहर आ जाएगा, जैसे हंडोले वाला झूला होता है एकदम से नीचे आता है, दिल ऊपर को आता है, लेकिन जब ऊपर होता है इतना कंफर्टेबल हो जाता है और क्या नींद आती है, आज भी सो जाएंगे। चलो चलो चलो, हम ही रह गए, सारे चले गए। ओ भाई, ओ ओ ओ ओए, चला गया ये, वो पैदल चला गया, एक बंदा पैदल चला गया, पैदल। हाँ उसको मैं रोक रहा हूँ, नहीं सुन रहा। इधर आ, हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं? आशीष, ठीक है आप? बहुत बढ़िया भाई। पैदल चला गया भाई, पैदल। देख रहे हो टेंशन, देख रहे हो। कहाँ जा रहा था? वॉक कर रहा था यार, ये वॉक एयरपोर्ट है, ये तेरे चाचे का घर नहीं है, वॉक कर रहा था यार। वॉक कर ले वहां से, वहां जाके हां भसड़ चाहिए, भसड़ नहीं चाहिए, भसड़ तू करे भाई। अगर तू चला जाता वो पीछे से देखता, फिर फाइन लगा देता, फिर क्या करता? बाय चंद तेरी टिकट कैंसिल कर दो, फिर क्या करता? मारो मारो दूसरे को भाई, फ्लाइट तक पहुंचने बहुत टाइम है, तो एक्सेस कर लो। तुझे क्या हुआ था? अचानक बस चल गया ना। अच्छा। और दो तीन एक साथ डंडा तो नीचे नहीं आ जाएगा? नहीं नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, मजबूत होता है। इंडिगो का है, नहीं आएगा। भाई साहब ताकत तो काफी है। छोड़ दो, सर फट जाएगा, इतना ही है। छोटे वाले जहाज में चढ़ के अलग ही फील नहीं आता। हाँ। जैसे हमारा प्राइवेट ही है, हालांकि 250 बंदे हो रहे हमारे साथ। क्या सेल्फी, सेल्फी चाहिए तेरे को? इसको आगे एयर होस्टेस का सेल्फी चाहिए, जब खिंचवा ले मना थोड़ी, ये मजाक कर रहा है, कैमरा ऑन होता तो मजाक बोल देता है। इसने ज्यादा टाइम भी चार के साथ सेल्फी खिंचवाई थी, इसको पता नहीं क्या शौक है भाई, क्या ही शौक है। जा चला जा, खूबसूरत लड़की, जा चला जा, चला चला जा, चला जा। लखनऊ से कैंसिल हो गए ना सारे, तो अब यहाँ पर इसको चाहिए, चल जा जा। मैसूर बहुत दूर पड़ेगा भाई, सारे सिंधु सीता हमारा टांड देखियो, नीचे करनी पड़ेगी। मैं तो झुकेगा नहीं साला, झुकेगा नहीं साला। लो जी एक बार फिर से हमारी विंडो सीट आ गई है, लेकिन ये विंडो धुंधली क्यों है? चश्मे के अंदर से लग रही है क्या? और हमने फिर इसे सनग्लास लगा लिया क्योंकि हम सोने की तैयारी में है। ये देखो धुंधली है हल्की हल्की यार, क्या ही दिखेगा इसमें से, हल्की हल्की नहीं बहुत धुंधली है, बहुत धुंधली है। अरे ये धुंधली की होगी, आगे से बटन दबाया होगा, ऐसा थोड़ी होता है, धूप ज्यादा ना है, तो साफ है, उसका बटन खराब हो गया होगा। अबे एसी नहीं चल रहा अभी, ओ आ रही है, अगर बिल्कुल भी नहीं चल रहा, पायलट फूंक मार रहा होगा ना इसलिए आ रहा होगा। बंद पड़ा हुआ, बंद देखो, नहीं तो मोबाइल में श की आवाज आ रही होती, इसको आ रही है हवा खाली, सिर्फ इसको।
लो भाई धुंधला धुंधला देख लो प्लेन उड़ता हुआ। उनको बोलो क्या साफ कर दे, पायलट को बोल देना, पायलट को, पायलट को शीशा क्लियर करा दे हमारे, पायलट का दरवाजा बंद है, एयर होस्टेस को बोल दे। चेन्नई में आप सबका स्वागत है। यहाँ पे कोई पतंग नहीं उड़ाता होगा क्या? बिल्कुल घरों के ऊपर से निकल रही है फ्लाइट। गुड मॉर्निंग। अरे बाप रे बाप, दिल्ली से ज्यादा गर्मी है यहाँ तो भाई साहब, तगड़ी गर्मी भाई तगड़ी। एयरपोर्ट भी बड़ा है। चेन्नई में तो एक्सप्रेस आता है। चेन्नई में एक्सप्रेस, चेन्नई एक्सप्रेस, एक्सप्रेस ही तो आया ये। ओ भैया ओ ओ ओ आपको तो ले जाओ। ओ इसको लगा छूट गया ये आज। वॉशरूम का पानी ना इसके अंदर आता है, बाकी सिस्टम है ना, सारा हाथ वाथ धोने के लिए होता है ना। वही कह रहा हूँ। ओके मीटिंग चल रही है इम्पोर्टेंट, आज तो पता चल ही जाए। फैजा ने यार ये देख, ये लो देख लो दुनिया किससे बात कर, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। ये पाँव को बचा एक एक घंटा लड़कों से बात करता है भाई, करता कसम खा ले, कसम खा ले। फैजान है? हाँ तो अरे बात, फैजान लड़का नहीं है। फैजान के साथ क्या है मेरा काम? मुझे क्या पता तेरा क्या काम है। लड़कों से एक घंटा कौन बात करता है? कोई बाइक लेने आया था उसी का। चेहरे पे मुस्कान, बाइक के लिए बोल रहा था। लाली आ गई फैजान का नाम लेते। चेन्नई बहुत सुंदर है, चेन्नई बहुत सुंदर है, गर्मी भी बहुत है। अरे मेरी जहाज यहाँ रह गई थी, आज ले जाएंगे वापसी। किससे बनाया मुजस्तमा? वो वहाँ से जा रहा है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये देखो शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान। तो अपना हो गया भाई खान पीन का टाइम। ओ भाई इतना सी KFC, लेकिन KFC का डस्टबिन है वैसे। KFC वाले ने डस्टबिन लगा रखा है। अच्छा ऑर्डर दे दे, खाना आएगा फ्लाइट में से दिल्ली से। मैम KFC कहाँ है? यही है, 10 minutes order here, 10 minutes order here, 10 minutes you will give our order in 10 minutes. Yes. Oh great, कहाँ से देंगे? second floor पे है। oh तो हम वहीं जाके ले लें। We will go there. You can order here within 10 minutes. Will come, you go and order there, means you can stay in line 10 minutes now. Oh. This is quick. You understand? Quick burger. देखो मियां ऑर्डर कर रहे हैं और आमिर को देखो। ओ भाई फोन रख दिया, इसने फोन रख दिया भाई, इसने फोन रख दिया, फोन पे बात कर, तेरी खत्म। क्या खाओगे? जहर खिला दूं? इसने फोन रख दिया भाई, इसने मेरे हाथ में कैमरा देखते ही ये फोन पे बात कर रहा था, अभी दोबारा दिखाऊंगा। हां स्मार्ट हो गया अभी ये ना हमारे साथ रह के। वी स्पीक गुड इंग्लिश ना? परफेक्ट, ओके। 2000 रुपए का बिल बना बाबा, 50-50 का नोट है। 1 2 3 4 5 6 मम्मी वॉच, मम्मी वॉच आवर वीडियो ना, सो वी टेल आवर मम्मी, मम्मी वी आर ईटिंग KFC बर्गर। टेल मम्मी टू हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे मम्मी, हैप्पी मदर्स डे। ओहो गिनती भूल गया मैं फिर से। तो भाई पकड़ लिया ना, पकड़ लिया, इस बार पकड़ लिया अपने, इस बार पकड़ लिया। ये बड़ा शाड़ा है, ये अपना छुप छुप के फोन पे बात करता है। हम वहाँ बैठते तो यहाँ बैठ जाता है, हम यहाँ बैठते तो वहाँ चला जाता है। Thank you. Okay, bye bye. Pipe difference मत डालिए इसमें। पहले। नहीं नहीं वैसे पिंकी पाइप से मजा आया। पाइप नहीं दिया ना उसने। मैम। मैम क्या करेंगे इसमें? टीशर्ट खराब हो गई। वो महंगी वाली। मुझे नहीं चाहिए। कैसा है? अच्छा है ना? दे नहीं रहा अपनी कोल्ड ड्रिंक देख रहा? दे नहीं रहा हूँ। भूख लगी थी तगड़ी।
कब आएगा? आया चला गया। पकड़ना उसको, टाइम से पकड़, टाइम से पकड़ 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 पकड़। आया आया, पकड़ 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 लिया भाई इसने। मेरी बारी, मेरी बारी। मुझे भी आज मजा तो आया भाई। आमिर, आमिर अभी ट्रेनिंग ले रहा है भैया, नीचे बता ना। ये किसने हमें बताया क्यों नहीं कि नीचे बटन है? लेकिन एक बार बताओ, ऑटोमेटिक आ कैसे रहा था अगर बटन है तो? ये तो मेरे को पता लगा यार। हाय भगवान, अभी सेंसर है। ओ हम पता क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ये बता, ये दबाया। ये क्या है? नहीं नहीं, ये देख देख देख, ये सेंसर है देखा। और हम क्या कर रहे हैं? हम दूर से कर रहे हैं ना। हाँ। आएगा ही नहीं ये देख, यहाँ हाथ लगाया। आज नई चीज सीखी तुम्हारे भाई ने, कि आपको भी सिखाया। हाँ, कि पहले किसी को देखो। जमीन पे गिरा गया पानी ना, पीना तो पी ले। अब नहीं पीना पानी, वहां से शोर तो तू ही मचा था। पानी पीना, पानी पीना तू ज्यादा। ये ऐसा भी पी सकते हो आप लोग ना। देख रहे हो, नए नए तरीके दिखा रहे हैं ना आपको। चलो हो गया, और पिएगा। मैं पानी पी रहा था, इतने बटन दबाया पानी और तेज आ गया, मेरी गर्दन के ऊपर से निकल गया भाई। ये कहाँ पे जा रहा था? क्या किया था तूने? क्या किया था तूने? ये देखो, मैंने ऐसे किया था। मेरे को लग रहा है डबल है, डबल। अब दबा ये वाला सेंसर, दबा। ये देख देख देख, देखा ये डबल है भाई। कीचड़ मचा दिया तुम लोगों ने, चलो कहीं रहने लायक नहीं है हम। पिछले दो घंटे से यहाँ बैठे हुए थे और अभी अभी हमें खबर मिली है कि हमारा गेट नंबर हो गया चेंज। पहले था 12, अब हो गया 3, सेकंड फ्लोर पे जाना है। अब नींद भी तगड़ी आ रही है, खा लिया हमने खाना, फ्लाइट में बैठे तो सोए, लेकिन फ्लाइट भी डिले हो गई है। इसको देखो, इसको देखो। आमिर तू कहाँ जा रहा है? तो हमसे अलग अलग क्यों रहता है भाई? और जो हमारी फ़्लाइट थी ना पहले, वो थी 3:20 की, नहीं 3:15 की, अब 3:55 की हो गई है, डिले हो गई है। और ज़्यादा डिले ना हो जाए, पता चले आज घर ही नहीं पहुँचे यार हम। इतने वेले हम यहाँ पर शॉपिंग कर रहे हैं और तो कुछ बचा नहीं। पूरा वो आगे से घूम के आए, वो कॉर्नर से लेके घूमते हुए यहाँ तक आ रहे हैं। देखा वो शॉपिंग किस चीज़ का कर रहे हैं? सॉक्स लेनी, ये भी नहीं है, टाइम पास कर रहा है भैया। इसने नहीं लेनी, मत दिखाओ इसको, मैं पहले कह रहा हूँ। 200 रुपये की सॉक्स ली है और 500 रुपये का थैला ले लिया बर्गर रखने के लिए। तो शाने मरे होंगे ना, ये पैदा हुआ है। एक सॉक्स का जोड़ा लिया 200 रुपये का, साथ में बैग ले लिए 4। आजा हो गया भाई, बड़ा शाना आदमी है यार ये तो, बहुत शाना आदमी है। मोबाइल लेना है कोई? पता है मुझे क्या लग रहा है, अब ये चेन्नई वाले ना जान के फ्लाइट डिले कर देते हैं। पूरा मॉल खोल रखा है इन्होंने यहाँ पर, कुछ ना कुछ तो बंदा खरीदेगा। शटई देख क्या क्या है भाई, सब कुछ बिक रहा है। तो मुंह से बोलो क्या चाहिए। कहाँ है मोदी? भाई मोदी है, उठाइयो। हैरी पॉटर वो देखा, हैप्पी बर्थडे निकालो। अरे हैप्पी बर्थडे कर ले, आता है ना किसी का बर्थडे, आ रहा है ना दिसंबर में हमारे भाई का बर्थडे। क्या खा लिया ये, क्या खाया? जुराब का वो उतार के। जुराब का नहीं है। लो भाई हम आके बैठ गए कैफेटेरिया। ये एयरपोर्ट नहीं है, ये मॉल है, मॉल। सिर्फ खा रहे हैं और खा रहे हैं और खा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। लो जी, लो ये आ गया हमारा प्लेन। और वो देखो बड़े बड़े टायर देख रहे हो, या तो ये टायर आया है या जाएगा। इसका तो नहीं बदल रहे होंगे, इसके टायर छोटे हैं भाई। नहीं, पीछे वाला टायर है।
तुम्हारी फ्लाइट की बदल रहे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, कहीं से आया होगा ना, कहीं को जाएंगे। और भी वहाँ लाइन लगी हुई है, अपने पायलट लोग बैठ भी गए हैं, दिखाऊ इतनी बड़ी फ्लाइट देख के खुशी हो रही है ना, छोटी सी में बैठ के आए थे। 35A समीरन का और मेरा है 34A, दोनों की विंडो है। हाँ, दोनों की विंडो। चलो सही है, देखते हैं कुछ एडजस्ट करेंगे। अमेरिकी अमेरिकी वो लास्ट में है जहाँ ये रोस्टर बैठती है ना। एक बारी बोल दे जो तूने बोला, तेरे को कसम है मम्मा कसम, तूने क्या बोला ये फ्लाइट बड़ी है? अच्छा ये तो बोला तूने ये फ्लाइट बड़ी है जिसमें आए थे उससे बड़ी है, वही लग रहा है। तेरे को कैसे पता लगा ये बड़ी है? तेरे को मम्मा का समय जो तूने पहले बोला वही बोलेगा, बता दे एक बारी। अरे अच्छी बात है ना यार, जो चीजें नोटिस करते हैं अच्छी बात है, तेज बोलना। दो चलाने वाले थे इसमें चार। नहीं 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 सही बोल, सही बोल, तूने क्या बोला? अरे बोल दे इसमें कुछ शर्माने वाली बात। नहीं 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 इसको बोल दे, इसको इसके मुंह से अच्छा लगेगा। मैंने इनसे ये बोला, मैंने कहा पहले में चार ये रोस्टर थे इसमें छह। इसको कैसे पता लगा ये फ्लाइट बड़ी है? कह रहा पहले जिसमें आए थे उसमें चार एयर होस्टेस थी, इसमें छह है, इसने अंदर आते गिन लिया। ये कैसे कैसे कर लेता है तू? इसलिए ये फ्लाइट बड़ा लग रहा है, फ्लाइट चाहे उतना ही हो लेकिन ये फ्लाइट बड़ा है, इसमें छह एयर होस्टेस है भाई। सुबह वाले का शीशा कितना धुंधला था और इसका देखो कितना सही है, एकदम क्लियर दिख रहा है बाहर, एकदम क्लियर। झगड़ा हो रहा है यहाँ, मत करना। तुझे क्या प्रॉब्लम है यार? एक बार आ, तू बस के लाइक है, तुझे किसने जहाज की टिकट दी? लो भाई लो चेन्नई देख लो पूरा का पूरा, क्या घर बने हुए भाई, भारी घर, भारी घर देखो ऊपर है, वही तो कह रहा हूँ। देखो सनसेट तो आपने बहुत देखा होगा, प्लेन से नहीं देखा होगा, क्या बढ़िया लग रहा है एकदम। गायब हो गया, गायब। 6:15 वो देखो भाई साहब अंगूठा दिखा रहे हैं पायलट को, कह रहे हैं बहुत बढ़िया चला के लाए हो दोस्त। दोस्त होंगे ना उसके। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। ले भाई ये भाई साहब पता क्या कह रहे हैं, इसके ऊपर लिखा होता है कौन सी बेल्ट पे बैग आएगा। एक बार इस पे से बेल्ट नंबर देख के बता दे, मान जाऊंगा तेरे को एक प्लेन दिला दूंगा, हेलीकॉप्टर दिला दूंगा। अच्छा आज पहली बार हमने एक नई चीज देखी, मतलब ये वैसे चीज तो हम गाड़ियों में देखते हैं कि कहीं पार्किंग नहीं मिलती, हम गाड़ी लेकर घूम रहे होते हैं, आज हमारे जहाज को पार्किंग नहीं मिल रही थी। कम से कम उसने 15 मिनट ही ना साइड पे रोक के रखा कि पार्किंग नहीं मिल रही, 15 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा, फिर कहीं पर मिली तब उसने पार्किंग में लगाया। मतलब सोच लो जहाज के साथ भी ऐसा होता है। बाकी हमारे बैग जो आएंगे वो 8 नंबर बेल्ट पे आएंगे, बैग लेंगे उसके बाद बाहर जाएंगे। साहब आई हुई हमें लेने के लिए, साहिबा को मैंने कॉल कर दिया था लेने आ जाना, नहीं तो बाहर जाएंगे कैब ढूंढनी पड़ेगी। एक्चुअली डिफेंडर लेके डिफेंडर महंगे वाले जहाज से महंगे वाले जहाज में वापसी घर जाएंगे। एक्चुअली है क्या ना, दो दो जहाज चेंज करके आए हैं, सुबह से निकले हुए, अभी ऐसा हो रहा है कि बस थक गए, कैब वैब नहीं ढूंढनी, सीधा अपनी गाड़ी में बैठे घूमते फिरते हुए घर पहुंच जाए। बताओ अब इतनी सारी बेल्ट पे कौन सी बेल्ट पे तेरे को पता लगता बैग आ रहा है? बहुत दूर तक है, बहुत दूर तक है, 250 बेल्ट है, 250। भाई ये क्या है, बैग खो गया क्या बंदे? ये पता क्या, ये ट्रांसफर वाले होंगे ना, एक फ्लाइट से दूसरी फ्लाइट पर ट्रांसफर। अब यहाँ से कोई बैग उठा के ले जाए क्या पता लगेगा, तू बता। एक बैग तो उठा के अपने पास रख ले, मतलब मैं वैसे बता रहा हूँ कोई ऐसा कर ले, ये देखो चलते चलते मैं एक सूट के ऐसे उठा लूँ ले जाऊँ, कौन जिम्मेदारी लेगा? लेगा एयरपोर्ट जिम्मेदारी? नहीं यार ये कुछ अलग ही होगा। अरे हाँ भाई ट्रांसफर वाले हैं सारे, मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी वीडियो देखता हूँ जिसमें लोगों के बैग खो जाते हैं, वो ऐसे ही खोते होंगे, ऐसे ही पड़े लवारिस की तरह, एक सूट केस में कोई भी हाथ में लूँ ऐसे लेके चल पड़ूँ, कौन चेक करेगा, कौन देखेगा यहाँ पर? ये देखो यहाँ भी पड़े हुए हैं। हमारे व्लॉग में आपको सच्चाई देखने को मिलेगी, जो होता है वही दिखाते हैं, तभी तो इस चैनल का नाम है आज तक। अभी साहिबा से बात हुई है, पिलर नंबर 4 के सामने खड़ी हुई है, वो आगे पिलर नंबर 4 तो ये रहा।
लो भाई गाड़ी तो दूर दूर तक नजर नहीं आई, ये नजर आ गई है। कहाँ छोड़ के आई हमारी गाड़ी? पार्किंग में। क्या बात कर रही हो? अच्छे नागरिक होने ना। पार्किंग क्या तो यहाँ तक लेकर आती अब? नहीं मुझे लगा आप लोग पता नहीं कब आओगे इसलिए। ओ भाई अब पार्किंग तक जाना पड़ेगा हमें? यही तो है। पार्किंग के लगा दी 150 रुपए हमारे, वेस्ट कर दिए इतने में। तो क्या 30 मिनट फ्री होती है? 30 मिनट फ्री होती है? वो नई चीज पता लगी, 30 मिनट पार्किंग फ्री है। आपको नहीं पता तो मैं आपको ही बता दूं, 30 मिनट फ्री। लो जी मिल गई हमें अपनी गाड़ी, हमने लग रहा था हम आज अपनी गाड़ी खो देंगे। और आज है संडे, संडे को जाम कम होता है रोड पे, कम दिख ही रहा है। आते हुए जाम तो नहीं मिला होगा इतना? नहीं। हाँ हमने सोचा था संडे को यहाँ पर होंगे, संडे राइड करेंगे, लेकिन संडे राइड हमने करी, हमने बाय एयर राइड करी, एक प्लेन दूसरा प्लेन। कल मंडे है, मंडे को कर लेंगे, हमारे लिए तो रोज ही संडे है ना, लेकिन मंडे जाम मिलता है। सुबह सुबह निकल के तो निकल के, नहीं तो दोपहर को ही जाके बाइक शेक चला के आ जाएंगे, देखते हैं जैसे ही प्लान करते हैं। लेकिन रोड सामने खाली देख के अच्छा लग रहा है। कोको आज तो मिलने बाहर आएगा, आना पड़ेगा, ये देखो तो 3 दिन बाद मिल रहा है। चला जा 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 जा, चल आगे बैठना तो थे, मेरे को तो बैठने थे। हाँ ये कैसे सूंघ रहे हो है, क्या हुआ है आपको? नोनू नोनू नोनू। लो जी लो हम बैठ गए यहाँ पर एडिटिंग के लिए। और तुम मेरी बात सुनो, तुमने जो मुझे कहा था कि 1 रुपया नहीं लेगा पार्किंग का, पहले 30 मिनट फ्री है, मेरे को अभी फास्टैग का मैसेज आया, मेरे 120 रुपए लगे हैं, उसका हिसाब कौन करेगा पहले बताओ? अलग होता है और वो फास्टैग अलग कटता है। ओ भाई ओ, पार्किंग के पैसे फास्टैग में से कटे हैं, मुझे नहीं पता, तुमने बोलता फ्री है तो ले लो, मुझसे ले लो। बात ले लो कि नहीं है? ओ ये दे देगा, तू इधर, तू इधर आ जा पहले, फोन छोड़ के तू ही दे दे, आ जा। ये जो वो नहीं, मैंगो शेक की बात नहीं है, लेकिन तुमने बोला था पार्किंग के पैसे फ्री हैं। अरे मुझे पता नहीं था ना, तो मुझे लगा कटा ही नहीं है। तो तुमने ऐसे कैसे बोल दिया पहले? नहीं, पहले पार्किंग में वहाँ नहीं कटवाते, अगर वहाँ वेट करते ना फिर बाहर जाने के टाइम पे तब भी देने। और नहीं देने पड़ते, हम कभी गए नहीं क्या एयरपोर्ट? मेरे को 1 रुपया नहीं दिया हमने, कब दे दिया भाई 50 रुपए? तूने दिए कभी मेरे को लेने आया कितनी बारी? नहीं बात उसकी नहीं है, बात है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय यू टू मी। ओए ज्यादा इंग्लिश तो नहीं बोल दी एक बारी में? यू प्रोवाइड मी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग टू योर इन्फॉर्मेशन आई प्रोवाइड देम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। नहीं 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 गलत चीज है, अब मैंने उनको बोल दिया सारी इंग्लिश, आज मत बोलो मेरे को आगे समझ नहीं आ रही है, बस इतना ही बहुत है। मैंने उनको बोल दिया कि 30 मिनट फ्री है पार्किंग, अब वो बेचारे पार्किंग में 30 मिनट फ्री लगा के गए होंगे, उनके पैसे लग गए होंगे, क्या फायदा है ना? ऐसे मत रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा करो मेरी फैमिली को, समझ आ रही है नहीं आ रही? एक्सक्यूज मी कुछ नहीं, मेरे 120 रुपये वापसी करो पहले, और उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है भाई? अपना हिसाब किताब तो चलता रहेगा, बाकी यहाँ तक आपने वीडियो देख ली लाइक करें अपना बिल्कुल मत जाना, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करना। यहाँ आ गया हमारा मैंगो शेक, कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। और हाँ पैसे लगते हैं भाई, फ्री फ्रा कुछ भी नहीं है, गलती हो गई हमसे, गलती हो गई, आज के दुनिया में फ्री कुछ नहीं, ठीक है फ्री कुछ भी नहीं होता आज की डेट में। तो मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में, बढ़िया वीडियो में, और अच्छा लगा हो बुरा लगा हो कुछ भी अच्छा लगा हो कमेंट करना। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय 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 सब, बाय बाय। कोको ये देखो, इसको मैंगो शेक, इसको मैंगो शेक भी पीना है, इसको सब पीना है, चलो बाय बाय। वाली जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ, अब शोहरत पाली मैंने दौलत पाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।